जैसा आप सबको पता है कि कोविड के केसेस हमारे कुछ स्टेट्स में वापस बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिनों में फिर से तेज़ी आई है, और हमारे पड़ोसी जो स्टेट है पंजाब, वहाँ पर केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। और उसको देखते हुए फिर से, क्योंकि सेकेंड वेव कोरोना की आ रही है, उसको देखते हुए फिर से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया है कि हर पर्सन मास्क का यूज़ करे। उसी को देखते हुए फिर से जो हमारा ऑलरेडी जो ऑर्डर था कि कोई भी पर्सन जो मार्केट प्लेस में बिना मास्क के ना घूमे, कोई भी पर्सन बाहर बिना मास्क के ना निकले, उसको फिर से उस पर फिर से इम्फेसिस दिया गया है। और कोई भी पर्सन अगर बिना मास्क के बाहर मिलता है तो उस पर 500 रुपये का फाइन लगाया जाएगा अगर मार्केट प्लेस में कोई मिलता है। और इसी टाइप से अगर जो रिपीट ऑफेंडर हैं, जो बार बार बिना मास्क के निकलते हैं, उन पर 1,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। तो मेरी सभी कठुआ वासियों से ये गुजारिश है कि वो मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें, और उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है उसमें भी जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि हम इस बीमारी से अपने आप को काफ़ी हद तक बचाकर रख सकें। अभी तक हमारे यहाँ पर केसेस बढ़ना स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हमने एहतियात नहीं बरती तो हम वापस से पिछले साल वाली स्टेट में जा सकते हैं, पिछले साल वाली अवस्था में जा सकते हैं, जिसमें आप सभी को, आपको पता होगा कि पिछले साल हमें कितनी परेशानियां आई थी। तो हम उस तरह की परेशानी हमें दोबारा ना उठाना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मास्क का यूज़ करें। अगर आप ये नहीं करते हैं, मास्क का यूज़ नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ फाइन भी लगाया जाएगा और भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे आते हैं उनसे क्या हाँ, बोलते उनसे भी जो है सभी पेरेंट्स से ये अपील है कि वो अपने बच्चों को भी वहाँ पर मास्क लगाकर ही भेजें। और स्कूल और कॉलेजेस में भी हम जो है वापस हमारी जो है हम जो अपनी जो टेस्टिंग है वो भी हम वापस बढ़ाएंगे। और इसके रिगार्डिंग भी आज मैंने शाम अपनी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर, उसकी मीटिंग की थी। और कल सुबह भी मैं हमारे जो CEO साहब हैं, उसी तरीके से हमारे प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है उसके साथ, हमारे जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं उनके साथ कल सुबह भी मैं मीटिंग करूंगा, सो दैट हम एक जो अपनी टेस्टिंग भी फिर से बढ़ा सके, उसके साथ साथ कोविड-19 के जो रूल्स हैं उसमें भी लोगों को फॉलो करने के लिए उनको मोटिवेट कर सके। सर, कोई टीम गठित कीजिए इसमें। देखिएगा, इसके लिए आपको पता है कि ऑलरेडी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स ऑलरेडी हमारी बनी हुई हैं, और हमारे जो नायब तहसीलदार और जो हमारे SHOs हैं उनको ये फाइन लगाने के जो है अख्तियार दिए गए हैं।